नमस्कार आदाब दोस्तों, बुमराह एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा प्रशासन किस तरह से लोगों की जान के लिए लापरवाही बरत रहा है। ये वीडियो है डाला गांव के परिसर की, जहां पर डेवलपमेंट के लिए जो रास्ता रुंदीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते काफ़ी इमारतें और दुकानें तोड़ी जा रही है, उसे तोड़ने में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो है मुंबई पुणे हाईवे नंबर 48 की, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चौथे नंबर के महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, वहां पर ना ही तो कोई सेफ्टी बैरिकेड है और ना ही कोई कर्मचारी तैनात है, जबकि लगातार छोटी बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा है। स्कूल और ट्यूशन के बच्चे भी आ जा रहे हैं, पर ना ही कोई सेफ्टी है और ना ही कोई आदमी तैनात है, जिसे देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। यदि अगर काम करते करते कोई पत्थर उड़कर या कोई ब्लॉक उड़कर रोड पर आकर गिरता है, इसके वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही छोटी मोटी गलतियां आगे जाकर बड़े हादसे की वजह बनती है। मैं मनपा और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आगे के लिए इस तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए, इसका ध्यान दें। ये तो हमारी आज की खबर थी दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक बेबाक खबर के साथ। जब तक के लिए सुरक्षित रहे। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।